हे प्रभु जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? साला टूट चुका हूँ यार, खत्म हो चुका हूँ। सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो यार जैसे कि आप लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले मैंने क्रिकेट का वीडियोस डाला था, उसमें आप लोग का सपोर्ट नहीं, मतलब क्या यार, मतलब आप लोग सिर्फ इस हैकर वाले गेम को ही देखना चाहते हो क्या? मतलब कुछ अलग गेम प्ले नहीं देखना चाहते हो क्या? ठीक है, तो मेरा बस ये राय है कि यार आप लोग कुछ अलग भी देखना चाहो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ। ठीक है, मैं यार इस गेम से लीव होना चाहता हूँ यार। मैं बहुत ज़्यादा इस गेम, मतलब मेरा स्किल जो है इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है, क्योंकि मैं ज़्यादा खेलता नहीं हूँ इस गेम को, अभी बहुत ही ज़्यादा स्किल बिगड़ चुका है और इसको खेलने का मन ही नहीं कर रहा यार थोड़ा सा भी। और आप लोग बताओ यार कौन सा गेम आप लोग को अच्छा लगता है खेलने में? ठीक है, फ्री फायर को छोड़ के, फ्री फायर पबजी वगैरह तो मैं खेलता नहीं, मैं उतना ध्यान नहीं देता इसमें। ठीक है, अगर चाहे तो आप लोग दूसरा गेम बोल सकते हो, या फिर कुछ अलग चाहिए, हटके चाहिए, कौन सा वीडियो चाहिए, किस तरीके का वीडियो चाहिए, सिर्फ कैरम बोर्ड को छोड़ के। भाई भाई ये मैं क्या ही बोलूँ यार, इतने सारे हैकर से मैं बहुत ज़्यादा, मेरे स्किल वगैरह सारा कुछ बिगड़ चुका है। तो खैर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पे देखो 20 लेवल में एक लकी बॉक्स, गोल्डन लकी बॉक्स मिलने वाला है, और देखते हैं कौन से बॉक्स में हम लोग को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग कौन सा बॉक्स अभी सेलेक्ट करेंगे, कौन सा करेंगे यार, चौथा कौन सा सेलेक्ट करेंगे, फाइनल हम लोग चौथा। यार ये गलत हुआ भाई, ये गलत सीन हुआ, बहुत ज़्यादा गलत सीन हुआ ये। सो यार तीसरी बॉक्स में रखा हुआ था, बट हम लोगों ने चौथे बॉक्स को सेलेक्ट किया। मुझे क्या पता कि यार किस बॉक्स में होगा, क्योंकि मैं खेलता नहीं हूँ अभी बहुत दिन से, और बहुत दिन के बाद मैं आज खेला लकी बॉक्स को। आप लोगों को पता होगा कि मैं पहले कंटिन्यू खेलता था कंटिन्यू, और अब क्या करूँ यार, खेलने का मन ही नहीं करता इतना। कैरम बोल तो मैं ओपन ही नहीं करता हूँ, और अपना स्किल जो है ना इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है कि क्या ही बोलूँ यार, बहुत घटिया स्किल हो गई अपनी, और मैं प्रैक्टिस भी नहीं करता अभी यार बहुत ज़्यादा, क्या ही बोलूँ। अभी मेरे साथ ना ओपोनेंट जो आए थे ना 4-5 कंटिन्यू, वो लोग जीत के गए हैं मेरे साथ। ठीक है, क्योंकि मैं खेलता नहीं भाई उतना अभी, और स्किल मेरी इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है इस गेम से कि क्या ही बोलूँ। सब यार इन हैकर्स की वजह से हो पा रहा है। ठीक है, और क्या ही बोल सकते हैं यार, मुझे खेलने का मन नहीं कर रहा है, सिर्फ आप लोगों के लिए खेल रहा हूँ ये गेम। ओके, सो ये फर्स्ट गेम हम लोग का, और अगर आप लोगों को कोई सा भी गेम पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मुझे बताना, उस गेम को मैं ट्राई करूँगा खेलने का। हाँ गेम में, लेकिन उस गेम में स्किल की ज़रूरत होनी चाहिए, मतलब स्किल होना चाहिए, जिस तरीके से कैरम बोर्ड में स्किल की ज़रूरत होती है उसी तरीके से उसमें भी स्किल भी होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आज ये 30 डेज का चैलेंज करता हूँ। ओके, चाहे कैरम पूल की वीडियो हो चाहे और गेम की वीडियो हो, लेकिन 30 डेज में 30 डेज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, वीडियोस डालेंगे। ठीक है, ये मैं आप लोगों से चैलेंज करता हूँ आज, और हो सकता है किसी दिन ना हो, लेकिन 30 डेज में 30 डेज 30 वीडियो कंटिन्यू आएगी, ये मैं चैलेंज करता हूँ। ओके, ये मैं अपने खुद में रखता हूँ कि यार 30 डेज मुझे कंटिन्यू वीडियो देना है आप लोगों को, चाहे कोई सा भी गेम हो, या फिर कैरम पूल का हो, या फिर अलग गेम का हो। ओके, तो ये मैं खुद से चैलेंज करता हूँ अभी, और पता नहीं क्या सीन होगा यार, ट्राई करूँगा आप लोगों को देने का 30 डेज में, चैलेंज करता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, सो आई होप ये ब्रेक टू फिनिश भी आप लोगों को पसंद आएगा। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट ब्रेक टू फिनिश। ओके, एंड इसके बाद चलेंगे हम लोग सेकेंड गेम प्ले की ओर, और आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। ठीक है, देखो सेकेंड गेम प्ले हम लोग का कनेक्ट हो चुका है सुभाष भाई के साथ, ब्रेक आ चुकी है अपने पास। ठीक है, और देखो किस तरीके से हिट करते हैं, यहाँ से लोग स्कोर 10 खींचेंगे, और क्या ही बोलूँ यार, टूर्नामेंट यार, मतलब क्या ही बोलूँ, टूर्नामेंट में इतना गजब गंदा गेम प्ले हुआ है ना, मैं क्या ही बोलूँ, तो वो वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप लोगों को पता लग जाएगा, और इतना गंदा गेम प्ले हुआ है टूर्नामेंट में अपना, मैं खुद की गलती मानता हूँ गाइस, मेरी खुद की गलती है, टूर्नामेंट में मैंने बहुत गंदा गेम प्ले किया है, सो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ओके, सो यार क्या ही बोलूँ यार, मैं प्रैक्टिस करता नहीं हूँ बिना, ऑटो प्ले के चलते ना मेरा सारा कुछ गेम का स्किल वगैरह सारा कुछ बिगड़ चुका है, मुझे खेलने का मन नहीं कर रहा इस गेम को, फिर भी आप लोगों के लिए ट्राई कर रहा हूँ। ओके, सो 30 डेज तो हम लोग को चैलेंजिंग बोल ही दिया है मैंने, 30 डेज का कंटिन्यू वीडियो आप लोगों को दूंगा। ओके, चाहे कोई सा भी गेम हो। ओके, सो आज से ये स्टार्ट करते हैं, ये पहली वीडियो हो गई हमारी। ठीक है, और ये जो पूरे महीना नवंबर का पूरे महीना हम लोग को वीडियो डालना है। ठीक है, 30 से 30 वीडियोस अपलोड करना है, चाहे जो भी हो जाए, और एक शॉर्ट भी डेली। ओके, सो यहाँ पे इसको खेल लेते हैं कुछ इस तरीके से, अभी भी पक्स जो है थोड़ी बहुत फंसी हुई है, बट कोई नहीं, रिलीज की हुई है, क्योंकि रिटर्न खींचेंगे इस वाली पक्स को, और वो वाली जो पक है वो इजीली रिलीज हो जाएगी। ओके, बट हुई नहीं है, चलो कोई नहीं, देखो तुम्हारा भाई किस तरीके से कनेक्शन खेलता है, इसको कनेक्शन सॉरी इसको रिटर्न खींचेंगे। ओके, टॉप राइट साइड में, क्योंकि कनेक्शन में ओपोनेंट का पक रखी हुई थी साइड में। ओके, ये थर्ड गेम प्ले ज्योति रंजन भाई के साथ लग चुका था। ठीक है, और ब्रेक हमारे पास आई थी कुछ इस तरीके से, स्ट्रेट कट ब्रेक थी ये, और हिट कर लिया है हम लोगों ने। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फास्ट मारेंगे भाई, मुझे तो लग रहा है भाई हैकर्स कभी बैन नहीं होने वाला इस गेम से, कभी भी बैन नहीं होने वाला, क्योंकि हैकर्स अगर बैन होते तो कब का बैन हो जाता भाई, लेकिन अब मुझे चांस ही नहीं है भाई इस गेम में कि हैक बंद होगा कभी, ये भाई फिक्स है कि हैक बंद नहीं होगा।
भाई मुझे पता लग गया यार इस गेम से, मैंने मुझे पता है यार, मैं तो इतने दिन से खेल रहा हूँ ना, तो मुझे पता है इसमें जहाँ तक कि हैक्स जो है वो बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे यार, मुझे पता है हैक्स बढ़ेंगे। और अभी देखो यार फिलहाल ही में पहले तो सबसे पहले तो यार लुलू बॉक्स था, और उसके बाद से लुलू बॉक्स को हम लोग बहुत सारे ट्रोल किए कि ऐसा वैसा नहीं है यार, लुलू बॉक्स को हटाओ वगैरह करो। और यहाँ पे देखो ये शॉट देखो आप लोग, ठीक है इस शॉट को इंडिया खेलते हैं, लुलू बॉक्स आया, लुलू बॉक्स के साथ चलो हम लोग सोचे यार ये भी बैन हो जाएगा जल्दी से, फिर बेटेम आया हम लोग सोचे चलो ये भी बैन हो जाएगा, हम लोग जितना सोचते हैं कि बैन होगा बट ये और एक न्यू हैक आ जाता है भाई। एम कैरम आया, एम कैरम को सोचे एम कैरम चलो बैन हो जाएगा, अब एम कैरम किंग यानी कि ऑटो प्ले भी आ गया। अब हम लोग सोचे कि चलो यार ऑटो प्ले को तो बैन करेंगे, ऑटो प्ले बैन हो जाएगा, लेकिन ऑटो प्ले का बैन ना होते हुए भी और एक चीटो बॉक्स आ गया। अब पता नहीं कौन सा हैक लाना चाहता है भाई, ऐसा कर दो कि कैरम पुल बिना खेले मतलब मोबाइल में ऐसे ही इंस्टॉल कर दो और अपने आप खेलने लग जाए भाई, कुछ नहीं करना, ऐसा हैक ला दो कोई कैरम पुल में, क्या ही बोल सकते हो यार भाई, ये क्या गेम है भाई, क्या बना रखा है इस गेम को, मुझे खुद पता नहीं लग रहा है भाई। तो मैं यही बोलूँगा कि इस गेम को भाई इंस्टॉल करने का देरी है, उसके बाद सिर्फ हैकर्स ही मिले वैसा बना दो गेम को भाई, पूरे में पूरे के पूरे हैकर्स के लिए बनाया ये गेम। और मुझे पता लग गया भाई पूरे के पूरे हैकर्स से एक भी फेयर प्लेयर्स नहीं है, क्योंकि हम लोग दो तीन चार यूट्यूबर हैं वही लोग फेयर प्लेयर हैं, और कुछ लोग बचे हुए तो वो लीप कर दिए गेम को जो कि फेयर प्लेयर्स थे, और अभी तो एक भी फेयर प्लेयर्स नहीं बचे हैं गेम में, और मैं भी नहीं बचा हुआ हूँ क्योंकि मैं खेलता नहीं हूँ इस गेम को अभी इतना ज़्यादा। लेकिन अब देखता हूँ यार, अब 30 डेज का चैलेंज करता हूँ मैं, अब हो सके तो मैं दूसरा गेम को भी अपलोड कर सकता हूँ अगर पसंद आया तो, ठीक है। लेकिन आप लोग यार सपोर्ट नहीं बनाते उस गेम में, अगर आप लोग उस दूसरे गेम पे भी सपोर्ट करते हो तो यार मैं छोड़ ही दूंगा यार इस गेम को, ओके जब तक हैक बंद नहीं होते, जैसे ही हैक बंद होते ना तो फिर मैं बैक हो जाऊँगा इस गेम में। सो ये सीन है भाई, तो अभी प्रैक्टिस जो है स्किल जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, और टूर्नामेंट में आप लोग देखोगे ना क्या ही बोलूँ, इतना घटिया यार, बहुत ही मैं खुद बोल रहा हूँ मैं बहुत ही घटिया गेम प्ले किया हूँ, ओके। सो यहाँ पे फोर्थ गेम प्ले ब्रेक अपने पास आ चुकी है, लेफ्ट साइड से हिट किया हम लोगों ने, दो पक्स जो है इजीली पॉकेट हो चुके, एक टॉप राइट साइड में ऊपर की और एक टॉप लेफ्ट साइड में नीचे की ओर, ओके। यहाँ से इसको लोग स्लो खेलते हैं, और अभी क्या करेंगे गाइस, जो ये वाली जो पक है इसको फास्ट मारेंगे जिस तरीके से, और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ इस तरीके से ट्राई किया था बट हुआ नहीं, अपना ही फैंस है थैंक यू सो मच। और यहाँ पे हम लोग को एक कनेक्शन दिख रहा है, ठीक है चार पक्स का कनेक्शन, ओपोनेंट के पक से खेलेंगे जो पीछे वाली जो पक है, ठीक है, और इस तरीके से इसको फास्ट मारेंगे, और ये कनेक्शन बहुत ही प्यारा था यार, अभी भी देखो इसको किस तरीके से फिनिश करते हैं, बहुत ही आराम से खेलेंगे इसको, लव फ्रॉम बांग्लादेश, ओके। अभी देखो यार कितना क्लियरली फिनिश करते हैं इस गेम को, ठीक है अभी इस वाले पक्स को खेलेंगे कुछ इस तरीके से टॉप लेफ्ट साइड में, और क्वीन को थोड़ा सा रिलीज करेंगे, और क्वीन रिलीज हो चुकी है, क्वीन को खेल लेते हैं, उसके बाद ये जो दो वाली दो पक है, ठीक है सबसे पहले तो क्वीन को खेलेंगे फास्ट, ओके। नहीं यार इस पक को पहले मार लेते हैं क्योंकि इस पक अगर फंस सकती है, ठीक है क्योंकि क्वीन से तो नीचे वाली जो पक है वो रिलीज हो जाएगी, और ये देखो कुछ इस तरीके से हम लोग खेल लेंगे इसको, और नीचे वाली जो पक है वो इजीली रिलीज हो जाएगी। आई होप आप लोग को आज का गेम प्ले पसंद आया होगा, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, और 30 डेज का चैलेंज है, कौन सा गेम पसंद आता है जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट बताओ, टेक केयर गाइस, बाय।